प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। पलटवार या इंतजार, सबसे बड़ा सवाल और जवाब फिलहाल इंतजार में दिख रहा है। राजस्थान की राजनीति में कभी कांग्रेस के सबसे बड़े कर्णधारों में से एक सचिन पायलट को पार्टी से बाहर करने की कार्रवाई तेज हो गई है। सचिन पायलट समेत अन्य को नोटिस थमाया गया है, दो दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। सियासी संग्राम में अशोक गहलोत ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। गहलोत ने पायलट को पूरी तरह से पार्टी से आउट करने का इरादा भी जाहिर कर दिया है, मतलब नो एंट्री। राजस्थान के मौजूदा सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। सीधा आरोप लगा दिया कि पायलट सरकार गिराने की डील कर रहे थे। अच्छी अंग्रेजी बोलना, स्माइल देना काफी नहीं है। सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल थे। मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, नई पीढ़ी को प्यार करते हैं, आने वाला कल उनका ही है, नई पीढ़ी को हम खूब पसंद करते हैं। केंद्रीय मंत्री बने, पीसीसी अध्यक्ष बने, अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे तो देश बर्बाद ही होगा। अच्छी हिंदी और अंग्रेजी बोलना, अच्छी बाइट देना सब कुछ नहीं होता है, आपके दिल में देश और पार्टी के लिए क्या है ये अहम होता है। दरअसल एक दिन पहले ही कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से चलता कर दिया। अभी तक सचिन पायलट ने आगे की रणनीति की घोषणा नहीं की है। इतना जरूर साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, जैसे पहले कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीजेपी में उनके पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही मौजूद है। हालांकि सचिन पायलट के बयान के बाद सभी का इंतजार बढ़ गया है। अब बात कांग्रेस की। पार्टी लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को वापस लौटने को कहती दिख रही है। घर के अंदर के विवाद को बैठकर सुलझाने की अपील जारी है, मतलब साफ है कि पार्टी के अंदर जारी विवाद नया नहीं है और उसे दिल्ली तक पहुंचने नहीं दिया गया, क्योंकि सचिन पायलट खुद कह चुके हैं कि उनका सीएम अशोक गहलोत से कई बातों पर विरोध रहा है। बावजूद उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा आज सामने है। सचिन पायलट 2002 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनका सपना वायुसेना का फाइटर जेट्स उड़ाने का था, लेकिन 23 साल की उम्र में पिता को खोने वाले सचिन पायलट को राजनीति का खुला आकाश मिला और वो ऊंचाइयों पर उड़ने लगे। 26 साल की उम्र में सांसद बने, 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री और 36 साल की उम्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद उन्हें राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद भी दिया गया। सचिन पायलट को राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिना जाता था। उन्हें अपनी बात साफ गोई के साथ रखने वाला नेता माना जाता है। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अशोक गहलोत को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सचिन पायलट ने जिस तरह से समूचे राजस्थान में घूमकर पार्टी का प्रचार किया, उसे सत्ता तक पहुंचाया, वो किसी सपने के सच होने से कम नहीं। अब हर गुजरता पल पायलट के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। हालांकि कांग्रेस के रुख से लग रहा है कि गुंजाइश बाकी है, क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये खुद राजनीति को पता नहीं होता। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।